अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से हैं। हम लोग आज फिर निकले हैं टूर पे, सोन वैली जा रहे हैं। सोन वैली का प्लान है और नीलावान वाटरफॉल का अगर टाइम हुआ तो। अभी हम इस वक्त सोन वैली के रास्ते में हैं। ये हमारा पीछे का व्यू है। अभी यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं तो चाय पी के फिर आगे निकलेंगे। मैंने कहा आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। चाय हमारी आ गई है। अब हम उस जगह पहुँच गए हैं जो पिछली दफ़ा नहीं दिखा सके। और ये ट्रक फिर से आ गया। ये ट्रक हमारा पीछे से साथी है भाई। क्योंकि हमारे पास एक अदद बैटरी है और ऑप्शन यही है कि या तो कैमरे को चार्जिंग पर लगा रहने दें या उसको माइक लगा लें, तो हम दूसरी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, यानी कि चार्जिंग। तो इसलिए रास्ता दिखाते हुए मैं ज़्यादातर खामोश ही रहूँगा। मौसम ठीक है, अच्छा मौसम। खैर उधर से ना चले जाते। चलो कोई नहीं, हम समझेंगे हम उधर नॉर्दर्न एरियाज की वाटर क्रॉसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वाली रोड है जी जो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी पिछली दफ़ा, बहुत ही कोई फिट किस्म की रोड। एज पर गूगल मैप्स हमें तकरीबन 55 मिनट और लगेंगे हर्षी गार्डन पहुँचने तक। तो देखते हैं, अभी हमने असल में रास्ते में स्टे बहुत किए हैं वरना अब तक हम पहुँच गए। तकरीबन 6:30 बजे निकले थे। दूसरे बाइक वालों की वजह से हमें स्लो ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास दूसरा बाइक 70 है, तो बस फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इस दफ़ा हम 4 लोग हैं, इस दफ़ा 3 थे। इस दफ़ा एक कज़न भी आया वाला हॉर्स, तो वो साथ है। यार ये रोड बहुत ही प्यारी रोड है। ये कैसे घूम गया? ये वो कह रहा है वापस उधर से ही जाओ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये उधर से क्यों लेके जा रहा है। वैसे हमने यूं घूम के जाना। हाँ, ये इधर से शॉर्ट कट है। अब वो रोड बीच में ये नहीं पता है कैसे, ऐसे ही जैसे पीछे देखा नहीं उनसे पूछ ना ले मोड़ पे कि ये रोड ठीक है बीच वाला। गड़खड़ा सही होगा मेरा ख्याल, मेन पे ही रहते हैं है ना। मेन पे बहुत ज़्यादा बल पड़ जाएगा ऐसे हो गए ऐसे। फिर पूछ ले किसी से पीछे से,
तुम लोग रुक, बल्कि आ जाओ साथ, वापस आओ जरा। हाँ पीछे तो है, क्यों है? है ना, चिंची वाले को ज्यादा बेहतर पता है। अस्सलाम वालेकुम। ये रास्ता सही है अगर उधर जाना हो कनहट्टी की तरफ? जी रास्ता ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। क्या आता है? नहीं, बोर्ड लगे हुए थे। बॉयज बैठे हुए हैं सामने से, व्यू ले रहे हैं। गए थे कुछ आला गाँव में। वो देख बंदा किधर बैठा ऊपर वो ऊपर बस अभी 17 मिनट का रास्ता है। क्या हुआ? ये चाचा की सीट है। कौन? एकदम ही ब्रेक लगाते हैं। ओ भाई, ओ भाई, ये सामने कितना प्यारा लग रहा।
हमने अंदाजा लगाया था हम 11 बजे यहाँ से निकलेंगे और 11 बजे तो हम पहुंचे भी नहीं पौने 11। नहीं, हमने अंदाजा लगाया था हम 11 बजे इधर से निकल जाएंगे। हाँ जे आ गया तो फिर की करांगे, जे आ गया तो की करांगे। यहाँ पे तो स्पीड मारने पे भी शेर से ज्यादा नुकसान हो जाता है। दूसरी बात है यहाँ पे स्पीड मार भी लेंगे तो नीचे ही जाएंगे सीधा वो भी खाई में। Two hours later. पहुंचने वाले हैं 1 किलोमीटर। A little longer than a few minutes later. Entrance. इधर तस्वीर नहीं बनवानी थी। प्यारी जगह, यहाँ बंदा रह सकता। तो यहाँ पे हम ये लेफ़्ट साइड पे जो बोर्ड है वो पड़े बगैर ही आगे निकल गए थे। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था कि जो अभी कनहट्टी गार्डन है वो बंद है विज़िट के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं आई थिंक, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे कुछ बच्चे गिर के मर गए थे तो इन्होंने फ़िलहाल इसको इन्फिनिट पीरियड के लिए बंद किया हुआ है। तो अब हम आगे एंटर हो सके या नहीं ये आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।